नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्फा अल्फा टॉनिक फैमिली टॉनिक के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ हैं, किन किन कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इसका डोज का इस्तेमाल करना है, कितनी इस पर एमआरपी आती है, इस सिरप से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो अल्फा अल्फा टॉनिक होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 100 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाता है। अगर बात करें इसकी MRP के बारे में तो 115 रुपये इस पर MRP आती है। और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है या जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है WSI, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है वीकनेस। दोस्तों आप में से अगर किसी को वीकनेस की प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल वीकनेस हो, फिजिकल वीकनेस हो, शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, तो कमजोरी को दूर करने के लिए बेस्ट टॉनिक होता है। कमजोरी चाहे किसी बीमारी के बाद आई हो, जैसे आपको बुखार आया हो, दस्त हो गए हो, उसके बाद आपके शरीर में कमजोरी आ गई हो, या आपके शरीर में किसी भी वजह से कमजोरी आई हो, तो कमजोरी को ठीक करने का ये बेस्ट टॉनिक है। दोस्तों जिसका अगला यूज़ होता है एनीमिया। दोस्तों आप में से अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है, आपके शरीर में खून की कमी है, खून की कमी के कारण आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी सी रहती है, तो एनीमिया को भी इस सिरप की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जिसका अगला यूज़ होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। दोस्तों आप में से अगर किसी को भूख ना लगने की परेशानी है, पूरे दिन में आप एक या दो रोटी मुश्किल से खा पाते हैं, भूख ना लगने की वजह से आपका जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो गया है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को वेट गेन के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर किसी का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वेट गेनर के रूप में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को एंजाइटी की शिकायत है या स्ट्रेस की शिकायत है, चिंता रहती हो, बेचैनी रहती हो, घबराहट रहती हो, तो उसमें भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दोस्तों किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट संबंधी बीमारियाँ लगी रहती हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी की शिकायत हो, सीनी पर जलन रहती हो, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता हो, किसी को लैटिन ठीक से नहीं आती हो, तो इंडाइजेशन के केस में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को फ्लैचुरेंस की शिकायत है, गैस बनती हो, तो फ्लैचुरेंस को भी इस सिरप की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों कमजोरी के लिए बेस्ट टॉनिक है। अगर आप में से किसी को कमजोरी की शिकायत रहती है, पूरे दिन आप ऐसा महसूस करते हैं थका थके सा, आपके शरीर में ना तो चुस्ती है ना फुर्ती है, तो चुस्ती फुर्ती को लाने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टायर्डनेस की आपको शिकायत रहती है, थकान आपको रहती है, या बहुत सारा वर्कलोड होने की वजह से आपका जो शरीर है वो कमजोर सा हो गया है, तो उसमें भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये सिरप बना होता है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है एसिड फॉस। दोस्तों एसिड फॉस जो मेडिसिन होती है कमजोरी की, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, खासकर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड के वजह से अगर कोई कमजोरी आ रही है, कोई जैसे किसी को उल्टी हो गई उसके बाद कमजोरी है, दस्त हो गए उसके बाद कोई कमजोरी है, या पोस्टों में जैसे स्वप्नदोष वगैरह हो जाता है उसके बाद की कमजोरी है, तो ऐसी कमजोरी को ठीक करने का काम एसिड फॉस मेडिसिन करती है। दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है अल्फा अल्फा, वजन बढ़ाने का काम करती है, भूख अगर किसी को नहीं लगती है तो भूख को भी बढ़ाने का काम करती है, कमजोरी को दूर करने का काम अल्फा अल्फा मेडिसिन करती है। तो इसमें अगली मेडिसिन होती है अभी ने सटाइवा। दोस्तों मेंटल वीकनेस को ठीक करने का काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है ऑफिसिनलिस। दोस्तों भूख बढ़ाने का काम करती है, पेट में अगर गैस वैस की शिकायत होती है उसको ठीक करने का काम करती है। दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है हाइड्रास्टिस। मसल्स वीकनेस को ठीक करने का काम हाइड्रास्टिस मेडिसिन करती है। दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है काली आर्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है वीकनेस को ठीक करने की। दोस्तों इसमें अगली लास्ट मेडिसिन होती है नक्सपोमिका। दोस्तों पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने का काम करती है, गैस किसी को बनती हो या एसिडिटी की शिकायत हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करने का काम नक्सपोमिका मेडिसिन करती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 5-5 ml सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।